Hello friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. This session is for class 12th, and in class 12th we are learning molecular basis of inheritance, and that chapter is very interesting, I think so, and you are able to understand each and every topic which I am teaching you. If you don't, please write down in the comment box, then I can give you the doubt session. वैसे तो I try my level best that you should not face any problem, but it can be that you should have any problem. So you are free to ask anything. You are free to communicate to me. ठीक है, ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म एज आई टोल्ड यू. आफ्टर योर एग्जाम वी हैव रिज्यूम द क्लासेस, एंड आई जस्ट इन द प्रीवियस क्लासेस आई टोल्ड यू अबाउट द ट्रांसलेशन. मैंने आपको ट्रांसलेशन के बारे में बता दिया, आपको एक 3D वीडियो के थ्रू आपको ट्रांसलेशन भी क्लियर कर दिया. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसी लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, उसके बढ़ने पहले सबसे पहले एक मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ में. मोटिवेशन चाहे हम अपने आप से किसी का एग्जाम्पल लेके लें, किसी का रोल मॉडल करके लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी, हमारे जो एनर्जी होती है ना, उसको वो क्या कर देती है, थोड़ी सी और बढ़ा देती है. एनर्जी तो होती है, लेकिन मोटिवेशन से या किसी से, किसी का रोल मॉडल समझने से, किसी की स्टोरी जानने से हमें एक थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है. पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी अपने लाइफ में नेगेटिविटी मत आने देना. उसी के लिए एक लाइन लगा रखिए, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते. हो सकता है आपने एग्जाम में बहुत मेहनत की हो, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे ना आए, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिले हो, कोई बात नहीं. ठीक है, हो सकता है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, कुछ कमियां हैं, उसको अपने टीचर से डिस्कस करके कि सर क्या कमी रहेगी, इस क्वेश्चन पर मुझे इतने मार्क्स क्यों मिले, मुझे क्या लिखना चाहिए था, एवरीथिंग. ठीक है, तो जब भी मेहनत करने के बाद आपके सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना ही बंद कर दो, कि हम पढ़ने से क्या फ़ायदा, मार्क्स तो आते नहीं, घर पे डांट पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं. लेकिन अपने सिद्धांत को, आप अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसको बनाए रखोगे, क्योंकि पेड़ कभी अपने, हमेशा अपने पत्ते बदलते हैं, कभी जड़ नहीं बदलते. ये तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप लोग तो जानते ही होंगे, हमेशा अपने पत्ते ही गिराते हैं, लेकिन कभी अपने जड़ों को चेंज नहीं करते. ये किसी भी, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, उन सब के लिए अप्लाई होता है कि कभी भी अपने जो रूट्स होती हैं उनको कभी भी हमें चेंज नहीं करना चाहिए, उनको ख़राब नहीं करना चाहिए. मतलब हमारा जो बेस है उसको हमेशा स्ट्रांग करके चलना चाहिए. वो अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तो कोई बात नहीं, पत्ते तो आज हैं, कल को गिर जाएंगे, फिर आ जाएंगे, नहीं. लेकिन अगर आपकी जड़ खराब हो गई तो फिर पत्तों का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा. तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं अपने इस लेसन में. और इस लेसन में नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, सब लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि जीन एक्सप्रेशन क्या होगा. जीन क्या होते हैं ये तो आपको पता है. देखो, जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ द DNA. जीन क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं. जब मैं भी अपनी लाइफ में, मतलब अपने स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं जीन को समझता था कि जो DNA का पार्ट होता है ना, वो पूरा जीन होता है. नहीं, जरूरी नहीं. जीन का, DNA का जो भी फंक्शनल सेगमेंट है, मतलब जो कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है या नहीं भी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता, उसको हम क्या बुलाते हैं, जीन्स बुलाते हैं. या जब मैंने कोडॉन पढ़ा था ना, AUG, UUU, तो मैं सोचता था वो जीन्स है. नहीं, वो तो केवल कोडॉन है. ऐसे पता नहीं कितने मिलियंस कोडॉन मिलके एक जीन बनाते होंगे. ठीक है, तो जीन्स का मतलब है एक सेगमेंट होता है DNA का, जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है. जरूरी नहीं कि वो जीन जो है वो कोडिंग एरियाज हो. ठीक है, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करें. क्योंकि हमारे, अभी हम जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे तुम लोग, तो उसमें आप, तुम्हें पता लगेगा कि हमारे जो जीनोम का 98% पार्ट होता है ना, दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस. अमेजिंग है कि नहीं है, कि 100% अगर हम कोई भी चीज़ कंसीडर करते हैं, तो जीनोम का अगर 100% देखें, तो उसमें से केवल 98% डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ओनली 2% आर देयर, दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस. तो आप सोच सकते हो कि हमारे जीनोम का सबसे ज़्यादा पार्ट किसने बना रखा है, नॉन कोडिंग एरियाज ने. जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई DNA है, कोई भी सेगमेंट है, दैट इज़ गोइंग अंडर गोइंग द ट्रांसक्रिप्शन, वो ट्रांसक्रिप्शन में जा रहा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसका ट्रांसलेशन हो रहा है. तो इस तरह से उसको हम क्या बुला सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, जैसे अगर मान लो आपके पास कोई चीज़ें हैं, कुछ कपड़े हैं या कोई भी मटेरियल है, ठीक है, अब आप उसको, उसका उसका यूज़ करने का तरीका अलग होता है ना. अब जैसे मान लो जो गर्ल्स यहाँ पे वीडियो देख रही होंगी, उनके पास लहंगा रखा हुआ है. ठीक है, अब लहंगा रखा है, अब पता लगा आपको जाना है स्कूल, तो आप क्या लहंगा पहन के चले जाओगे,
ठीक है, आपके वार्ड्रोब में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, लहंगा भी रखा है, लेकिन जब आप स्कूल जाओगे तो या तो सूट में जाओगे या तो सिंपल से आप कपड़े पहन के जाओगे, ठीक है, नॉन वर्किंग डेज में जाना है जैसे पीटीएम वगैरह में, लेकिन आप लहंगा नहीं पढ़ोगे पहनोगे ना, लहंगा तो है आपके पास लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप अपने कपड़ों को अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हो, रेगुलेट करते हो। सेम एज इन योर रूम देर इज़ अ रेगुलेटर टू जस्ट मेंटेन द स्पीड ऑफ द फैन, फ़ैन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए रेगुलेटर लगा होता है, एसी में भी रिमोट होता है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो स्पीड है उसकी जो कूलिंग है उसको कंट्रोल करते हैं एज़ पर द आवर रिक्वायरमेंट। वो तो है तो उसमें दैट इज़ एग्जिस्टिंग, वो प्रेजेंट तो है, लेकिन उसको क्या हम हमेशा फुल पे चलाते हैं, नहीं, ठीक है, उसको रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग। सेम एज़ जीन्स तो प्रेजेंट हैं बॉडी में, लेकिन कब कौन सी जीन्स की नीड है, ठीक है, कब किस जीन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो आपने अगर कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम की नीड है, ना कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम या फैट डाइजेस्टिव एंजाइम की नीड नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपने केवल पानी पिया तो ना ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत है, ना ही लिपिड मतलब फैट डाइजेस्टिव एंजाइम की नीड है। इसका मतलब है एज पर द नीड हमारी जो बॉडी में जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर किसी जीन की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने इंसुलिन के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। जैसे आपने चीनी मतलब शुगर आपके बॉडी में ज़्यादा हो गया, आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, तो इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट होगा, जब इंसुलिन सेक्रेट होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो क्या बताओ इंसुलिन का सेक्रेशन हमेशा उसी लेवल पे रहता है, नहीं, ठीक है, अगर हमेशा उसी लेवल पे रहेगा तो आपके ग्लूकोज को तो एकदम एलिमिनेट ही कर देगा, ख़त्म ही कर देगा, ठीक है, दैट इज़ नॉट गुड। तब तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपके बॉडी लगेगा आपकी आपकी बॉडी बहुत वीक हो गई, बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही जब भी ग्लूकोज का लेवल एक थ्रेशोल्ड से मतलब एक लिमिट से ऊपर जाएगा तब किसका सेक्रेशन होगा, इंसुलिन का, और इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए देयर इज ए पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। इसका मतलब है कि उसका भी एक्सप्रेशन क्या होता है, कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा उसका लेवल हाई रहता है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने रेगुलेशन आपको रेगुलेटर के हेल्प से बताया, आपके कपड़ों के हेल्प से बताया, आपके यहाँ जो व्हीकल्स होंगे उसका भी यूज़ ऐसे ही होता है। अगर आप पता लगा किसी बहुत स्ट्रीट मार्केट में जा रहे हो तो आपको कार लेके थोड़ो ना जानी है, अब आप कार लेके चले गए, पता लगा निकली नहीं रही है, आगे जगह ही नहीं है, नैरो है रीजन, पता लगा 1.5 फीट की रोड है, 1 फीट की रोड है, आप उसमें कार लेके चले गए, बड़ी कार लेके चले गए, तो वहाँ पे आप साइकिल या मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द नीड, यू रेगुलेट योर नेसेसिटीज़। हमारी जो नेसेसिटीज़ होती हैं, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, उसको हम रेगुलेट करते हैं एज़ पर आवर नीड, जैसे हमें उसकी नीड होती है, क्लियर है, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल तो सारी चीज़ें हैं, कब हमें स्लीपर पहनना है, अब अगर आप घर में अगर आप शूज़ पहन के टहल रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। अगर आप स्लीपिंग अगर आप अपने बेड पे हो तो ये थोड़ो ना कि शूज़ और स्लीपर पहन के सो गए, नहीं ना, लेकिन आपके पास अवेलेबल है, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है उसका वैसे ही आप उसका यूज़ कर रहे हो। सेम एज़ विद आवर जीन्स, सेम हमारे जीन्स के साथ भी ये होता है। जीन का अगर मान लो कोई पार्ट है जो किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जैसे मैंने अभी ग्लूकोज लेवल को एग्जांपल लेके बताया, कार्बोहाइड्रेट का लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो इनका लेवल नहीं बढ़ रहा है, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा नहीं है तो इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा या बहुत कम होगा, क्लियर है, तब इसको इंसुलिन का सेक्रेशन ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है उस टाइम उस ड्यूरेशन पे जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जैसे ऐसा सुना होगा आपने कि 21 ईयर के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती, वो रेयर है, किसी किसी की 21 ईयर के बाद भी 1-2 साल ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली 21 ईयर के बाद ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। अब कम क्यों हो गया, क्योंकि उसकी नीड अब नहीं है, अब वो जो जीन्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन बना रहे थे उनका एक्सप्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, वो सप्रेस हो गए, अब उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्लियर है। जैसे जब हम बेबीज मतलब बेबी के फॉर्म में होते हैं, जब छोटे बेबी होते हैं तब हमारी बियर्ड और मुस्टैक नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि उस टाइम ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव गोनेट्स नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, उस टाइम जो हार्मोन्स हैं उनका सेक्रेशन नहीं हो रहा है,
ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी नीड नहीं है, इस टाइम उन्होंने अपने आप को सप्रेस करके रखा हुआ है। अब सोचो अगर कोई छोटा बेबी, उसको मुस्टैक आ जाए, उसकी बियर्ड आ जाए, तो क्या होगा? तब कहेंगे अरे यार ये तो डिसऑर्डर है, ऐसे ही तो कहेंगे। लेकिन अगर कोई 21 या 25 ईयर का हो जाए और उसकी बियर्ड मुस्टैक ना आए, तब भी यही कहेंगे कि अरे यार ये तो डिसऑर्डर है, इसके अंदर तो बियर्ड और मुस्टैक तो आ ही नहीं रही है। बात समझ में नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से जीन अपने आप को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत होती है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अदरवाइज़ जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जो नॉन नीडी हैं, उनको जो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। देखो, अ जीन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये तो आपको अभी मैंने बताया। न्यूक्लियोटाइड बेसिस, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं दैट कोड फॉर अ प्रोडक्ट। वो किसके लिए प्रोडक्ट, किसके लिए कोड रखते हैं? प्रोडक्ट के लिए। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, आपको आपने पढ़ रखा है, ट्रांसलेशन पढ़ लिया, तो वहाँ तक आपने सब कुछ समझ लिया कि इस तरह से जो जीन्स होते हैं डीएनए होते हैं, पहले आरएनए में चेंज होता है, फिर आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है बाय ज्वाइनिंग अमीनो एसिड्स इन प्री डिटरमाइंड ऑर्डर। वो पहले से ही पता है कि ये ऑर्डर बनेगा। जैसे हीमोग्लोबिन बनना है तो हीमोग्लोबिन का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। जब भी हमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होगी तो हीमोग्लोबिन के चेन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम बनेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द जीन, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हमारी, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जीन में प्रेजेंट है। इज़ नॉट ऑलवेज यूज्ड, मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आपको बहुत सारी नॉलेज है और आप ऐसे कहीं जगह बैठे हो, आपको इंग्लिश बहुत आती है, लेकिन अगर आप ऐसी कहीं जगह बैठे हो जहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या आप इंग्लिश में बोलना आपका वर्दिट होगा? नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो आप कहेंगे पागल है, ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कहीं पे लोग इंग्लिश को जानते हैं और आपको इंग्लिश पता है, तो वहाँ पे अपने आप को आप एक्सप्रेस करोगे। क्लियर है? ठीक है, तो मेनी जीन्स रिमेन साइलेंट। बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, वो कब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं? जब उनकी नीड होती है, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ओनली व्हेन देयर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने अभी आपको कई सारे एग्जांपल लेके बताए हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक को आपके बुक में एक एग्जांपल लेके समझा रखा है, उसी को हमें पढ़ना है, ओ लैक ओपेरॉन। ठीक है, उस टॉपिक का नाम ही है लैक ओपेरॉन। तो सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन क्लियर हो गया, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सर्टेड एट 4 लेवल। जीन अपने आप को 4 लेवल पर रेगुलेट कर सकता है। अपने एनसीईआरटी में देख रहे होगे, ठीक है, सबसे नीचे 4 लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे पहला, मतलब जिसकी जिस जीन की रिक्वायरमेंट है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, जिस जीन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। मतलब जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आपने पढ़ रखा है कि HNRNA, सबसे पहले यूकैरियोटिक अगर जीन होता है तो HNRNA बनता है, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर किसी की ज़रूरत नहीं होती तो उसका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो सबसे पहला लेवल कहाँ पर हम रेगुलेट, हमारे जीन्स कहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। सेकेंड है प्रोसेसिंग लेवल। आपको पता है यूकैरियोटिक में प्रोसेसिंग लेवल होता है, ठीक है, जिसमें स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग पढ़ा है ना, तो स्प्लाइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस जीन की जरूरत नहीं है वो स्प्लाइस हो जाए, उसको कट करके हटा दें, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस, इफ एनी आरएनए इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस बट दैट इज नॉट नीडेड, उसकी नीड नहीं है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा। कहां से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। और लास्ट है ट्रांसलेशन लेवल, जिस भी जीन की जरूरत नहीं है उसका ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। तो इस तरह से देयर आर 4 लेवल, at these 4 level the gene can regulate their cell। वो अपने आप को क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसमें से कौन से लेवल हैं, those the bacteria can regulate itself, जिस पे बैक्टीरिया अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। क्या इन 4 लेवल पे रेगुलेट कर सकता है या किसी लेवल पे रेगुलेट कर सकता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओगे। देखते हैं किसके पास कितना दिमाग है, कितना वो अच्छे से अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया रेगुलेशन कितने लेवल पे हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे, अभी नाम आ रहा है उनका, वेट करिए, जैकब एंड मोनन। उन्होंने सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन को कहाँ पे ऑब्जर्व किया था? प्रोकैरियोट्स में ऑब्जर्व किया था। फॉर अ बैक्टीरियम टू फंक्शन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ इट्स जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एट ऑल टाइम, ठीक है। ये तो हमारे बॉडी में भी होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी जीन्स हैं सबके सब अपने आप को एक्सप्रेस करें ऑल द टाइम। टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज बैक्टीरिया रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ देयर जीन, वो अपने जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है,
ठीक है, जिससे जब भी उसकी जो भी जीन की नीड होती है वो उसको एक्सप्रेस करता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। द जीन्स विल बी टर्नड ऑन और ऑफ, इसका मतलब है जैसे फ़ैन है, जैसे इस टाइम जब भी मौसम सही होता है तो हम फ़ैन को ऑफ कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं, कूलर बंद कर देते हैं, तो ऑफ कर देते हैं। ऑन कब करते हैं, जब हम उसकी नीड होती है। अब ये तो है नहीं ना कि पता लगा विंटर पड़ रही है, बर्फ़ गिर रही है और आप कूलर और एसी ऑन कर दिए, ऐसा तो कभी नहीं करते ना, उसको बंद करके रखते हो, उसको ऑफ करके रखते हो। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, आप पहले फ़ैन पे आते हो, उसके बाद कूलर पे आते हो, उसके बाद अगर कूलर आपके पास एसी है तो एसी की हेल्प लेते हो, तो इस तरह से आप अपने आप को क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो। क्लियर है, आपके पास है तो तीनों चीज़ें, कूलर भी है, फ़ैन भी है, एसी भी है, लेकिन आप उसकी रिक्वायरमेंट कब है, उसकी अलग अलग टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज़ कर रहे हो। क्लियर है, तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है और प्रोकैरियोट में कैसे हो रहा है एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले आ जाते हैं लैक ऑपेरॉन। आप अपनी बुक में अगर देख रहे होगे तो अगर आप बुक का पहला पैरा पढ़ोगे तो उसमें देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि होता क्या है एक्चुअली। देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर कल्चर्ड इन अ ग्रोथ मीडियम, मतलब वो किसी भी कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था ना कि ई कोलाई बैक्टीरिया विल नॉट लेट यू फ्री, मतलब आपको फ्री नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ ही लगे रहेगा, ठीक है। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, दैट इज़ अ बैक्टीरियम दैट इज़ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट रिक्वायर ग्लूकोज। उसको क्या ज़रूरत होगी, ग्लूकोज। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अगर मान लो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसको कोई ना कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, फूड रिसोर्स की, ठीक है। तो ई कोलाई बैक्टीरियम को कौन सा फूड चाहिए होता है, ग्लूकोज। When it utilize the all the glucose, जो भी जिस medium में भी वो grow है, जिस भी cell में वो present है, अगर वहाँ पर glucose धीरे धीरे कम होने लगा है, तो या तो bacteria की death हो जाए, या तो bacteria किसी और food पर switch कर जाए, मतलब किसी और alternative food को लेने लगे। यही दो चीज़ें हो सकती हैं। अब बताओ, जब तक उसको glucose की ज़रूरत है, मतलब glucose मिल रहा है, तो क्या उसकी उसके genes को lactose digest करने की ज़रूरत होगी, नहीं, उसको लैक्टोज डाइजेस्ट करने की नीड नहीं होगी। बात समझ में आई, जब तक आपके यहाँ गैस सिलेंडर है तब तक आप गैस का यूज़ करोगे ना खाना बनाने में। अब पता लगा गैस सिलेंडर है और आप जाओगे लकड़ी जलाने, ठीक है, फिर जो काउडंग के जो केक्स होते हैं उनको जलाने, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, कि आपके पास तो गैस सिलेंडर अवेलेबल है ना, तो उसकी हेल्प से बनाओ ना, ठीक है। तो ऐसे ही सेम है यहाँ पे भी है, कि अगर ग्लूकोज अवेलेबल है तो उस टाइम लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो जीन्स चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, उनकी नीड नहीं है। मतलब एक एंजाइम होता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इज़, जैसे हमारे बॉडी में एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ना, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अ पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब एमाइलेज तो ये तो कहेगा नहीं, अच्छा चलो फूड कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा है, चलो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हर एक एंजाइम का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। तो जब भी ग्लूकोज अवेलेबल है तो लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम की नीड नहीं है। लेकिन जब ग्लूकोज धीरे धीरे यूटिलाइजेशन उसका यूज़ हो गया, तो किसकी ज़रूरत आ गई, तब किसकी, लैक्टोज की ज़रूरत आएगी, ठीक है। और लैक्टोज को इनटेक करने के लिए लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, समझ में आया। तो इसी तरह एक एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया में कैसे जो है इसका एक्सप्रेशन, किसका रेगुलेशन होता है। तो सबसे पहले लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन क्या होता है, इसका लैक का मतलब लैक्टोज है, ओपेरॉन का मतलब ऑपरेट कर रहा है। अभी आपको ओपेरॉन का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज। क्यों, क्योंकि जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब ये पर्टिकुलर पार्ट का एक्सप्रेशन होता है, नहीं तो उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। जैसे एक जीन है, ये देखो यहाँ पे एक जीन मैंने बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जान लो डीएनए है। किसका डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए है। आपको पता है प्रमोटर होता है, ट्रांसक्रिप्शन याद है ना, ठीक है। जिसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ में आया वो इस टॉपिक में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अगर आपको अभी भी अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ में आया तो पहले प्रीवियस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लो, तब इस टॉपिक को पढ़ना, तब तो आपको बहुत ईजी लगेगा, और नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्लियर होना चाहिए। देखो ये डीएनए है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, ये प्रमोटर है, ये आई जीन है। आपको पता है बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं प्रोकैरियोटिक में, एक ही डीएनए पे डिफरेंट जीन्स लगे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक,
ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक का आप यहीं से समझ सकते हो कि पॉली मतलब डिफरेंट, ठीक है, मोर देन वन, और पॉलीसिस्टोनिक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया के जो डीएनए होते हैं उसमें एक से ज़्यादा क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं। अब आप देख सकते हो आई जीन भी लगा हुआ है। आई जीन का जो मतलब फंक्शन है वो रिप्रेसर mRNA है। कौन सा mRNA प्रोड्यूस करता है? रिप्रेसर mRNA। रिप्रेसर मतलब जानते हो ना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, किसी एक्टिविटी को बंद कर देना, रिप्रेस कर देना। ये रिप्रेसर mRNA रिप्रेसर प्रोटीन बना लेगा। आपको पता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के पहले ही ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके पीछे साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोटीन है, रिप्रेसर क्या है, प्रोटीन है। अब हर एक प्रोटीन का कोई ना कोई तो रोल होगा। रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो ओ लिखा है, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर मतलब ये ऑपरेट कर रहा है, तो ऑपरेटर जीन से बाइंड हो गया, ठीक है, और इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। आपको पता है ना कि जीन का जो डीएनए होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर जीन से आगे नहीं जाएगा और जेड वाई और ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है। अभी इस सेगमेंट की नीड नहीं है जेड वाई और ए, क्योंकि जेड वाई और ए मिलके किसको मेटाबोलाइज करते हैं, किसको मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, लैक्टोज के। और तुम्हें पता है अभी तो लैक्टोज की नीड ही नहीं है, अभी तो ग्लूकोज अवेलेबल है। तो अगर ग्लूकोज अवेलेबल है तो तुम बताओ कि इसका ट्रांसक्रिप्शन होना जरूरी है? नहीं, ठीक है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? जब आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो आई जीन क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। और हर एक प्रोटीन का कोई ना कोई रोल होता है। इनका रोल क्या है? ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाते हैं। ऑपरेटर से बाइंड हो जाते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं देते, कहते बस यहीं तक, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, आगे की ट्रांसक्रिप्शन की नीड नहीं है। और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से डिटैच हो जाता है, ना ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो इस कंडीशन में अगर देखो तो जीन्स ने अपने आप को, इस वाले सेगमेंट ने अपने आप को स्विच ऑफ करके रखा है कि स्विच ऑन, स्विच ऑफ करके रखा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो, लैकोपेरॉन फॉर्म फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टडीज ऑफ द ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरियम ई कोलाई टू फ्रेंच साइंटिस्ट, दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनत। फिर मैंने स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, ठीक है, मोनत MONOD, बाई डिफॉल्ट ले लेता है ना, जब टाइप करते रहो तो बाई डिफॉल्ट ले लेता है। जैकब एंड मोनत फाउंड दैट जेनेटिक मटेरियल प्रोसेसेस रेगुलेटेड जीन, उनके पास रेगुलेटेड जीन्स होते हैं, मतलब जो अपने आप को रेगुलेट करते हैं उन्हीं को क्या बुलाते हैं? ओपेरॉन। समझ में आ गया? तो रेगुलेटेड जीन जो अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं उन्हीं को क्या बुलाते हैं? ओपेरॉन्स बुलाते हैं। और क्योंकि लैक्टोज इसको ओपेरॉन मतलब रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए इसको पूरा नाम क्या पड़ गया? लैक ओपेरॉन। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट में मतलब एक ई कोलाई बैक्टीरियम के जो जीन है, मतलब जो डीएनए है, ठीक है, उसमें कैसे रेगुलेशन हो रहा है। इन द अबसेंस ऑफ इंड्यूसर, देखो लिखा हुआ है इन द अबसेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। जब लैक्टोज नहीं है तो जेड वाई और ए की नीड नहीं है। रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर, और रिप्रेशर किससे बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और किसको डिटैच कर देगा? आरएनए पॉलीमरेज को, और आरएनए पॉलीमरेज को इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन करने नहीं देगा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया। टिपिकल ओपेरॉन, अब देखो इस ओपेरॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले मैं उनके सारे पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम और लगा रखा है इसके सबसे इसके थ्रू, तो पहले तुम्हें बता दे रहा हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये है प्रमोटर, आपको प्रमोटर का रोल तो पता है। प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर रीजन जो है डिसाइड करता है कि किस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है, ये तो आपको पता है। आई जीन जो होता है रेगुलेटर जीन होता है, यही जो है ऑपरेटर को रेगुलेट करता है, और जो ऑपरेटर होता है ये क्या करता है? इस पार्ट को क्या करता है? स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर से बाइंड हो जाएगा, प्रमोटर से जब आगे बढ़ेगा, जब आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा तो कौन सा एमआरएनए बनाएगा? रिप्रेसर एमआरएनए। तुरंत उसका ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएंगे, रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जब तक आगे पहुंचेगा उसके पहले ही ये जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, और ऑपरेटर से बाइंड होने पे आरएनए पॉलीमरेज को वहीं पे क्या कर देगा? रिप्रेस कर देगा, मतलब वहीं पर रोक देगा, और इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो इस कंडीशन में इस टाइम लैक ओपेरॉन क्या है? स्विच ऑफ है, इसको बोलते हैं लैक ओपेरॉन, क्योंकि यही पार्ट किसको रेगुलेट करेगा, किसको मेटाबोलाइट करेगा? लैक्टोज को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, कौन कौन से जीन्स होते हैं उसके बारे में एक बार देख लो।
रेगुलेटर जीन, सबसे पहले एक रेगुलेटर जीन होता है जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, अ जीन कोड फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन। अभी मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे जो आई जीन है वो रिप्रेसर के लिए, उसके पास कोडॉन्स हैं, रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा है, उसी को बोलते हैं रेगुलेटर जीन। नेक्स्ट है प्रमोटर, ये तो आपको पता ही है, अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अटैच, यहीं पे आके सबसे पहले अटैच होता है। ऑपरेटर, ऑपरेटर ओ से जो इंडिकेट कर रहे हैं, अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर द रिप्रेसर बाइंड, जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो जाती है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम द अटैचिंग टू द प्रमोटर। यहां पे भी एक प्रमोटर होता है ना, और वो आगे जाके आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देता है। और लास्ट है स्ट्रक्चरल जीन। अब ये क्या है स्ट्रक्चरल जीन, अब याद आ गया होगा आपको, एग्जाम में भी मिला था ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम बनाने के लिए, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको पता है ना स्ट्रक्चरल जीन, जिसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना है, वही क्या है स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन है 1 to 7 एंजाइम्स जेड वाई और ए, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो किसमें इन्वॉल्व होंगे, एंजाइम्स के सिंथेसिस में, और वो एंजाइम किसमें हेल्प करेंगे, दोज एंजाइम विल हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से 4 जीन्स आपको समझ में आ गए बहुत अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं इन लैक, अब लैकोपेरॉन के बारे में पढ़ते हैं। लैकोपेरॉन रिफर्स, लैक मतलब यहाँ पे क्या हो गया लैक्टोज। अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, अभी मैंने बताया ना इसको पॉलीसिस्टोनिक क्यों बोलते हैं, 2 रीज़न है। पहला, इसमें एक से ज़्यादा प्रमोटर प्रेजेंट है, ये दूसरा, एक से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हैं। जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है, अगर कोई डीएनए का एक सेगमेंट है तो उसमें एक ही तरह के जीन्स लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है जीन्स अलग अलग हैं, आई जीन है, ओ जीन है, इस तरह से अलग अलग जीन्स हैं, तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर, एक ही प्रमोटर है जो उसको रेगुलेट कर रहा है, एंड रेगुलेटेड जीन्स, ठीक है। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, एंड इज रिफर्ड टू एज ओपेरॉन, इसी को क्या बुलाते हैं ओपेरॉन बुलाते हैं। इसी तरह से जैसे लैक ओपेरॉन होता है, ऐसे और भी ओपेरॉन होते हैं, ट्रिप ओपेरॉन, ये सब अमीनो एसिड्स हैं, ट्रिप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन, वेल मतलब वेलिन ओपेरॉन, तो इस तरह से अलग अलग सबस्ट्रेट्स होते हैं जो इनको ऑपरेटर मतलब इनको ऑपरेट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे लैक ओपेरॉन को कौन ऑपरेट कर रहा है लैक्टोज, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक ओपेरॉन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो लैक ओपेरॉन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ इस डायग्राम में समझो, देखो जो पहला पार्ट है एक मिनट मैं इसको ऊपर, जल्दी जाता नहीं है ऊपर, एक मिनट होल्ड करो, हाँ चलो चला गया, ठीक है। देखो ये जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में ऑब्जर्व करो कि क्या डिफरेंस है। पहले पार्ट में देखो अन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर कौन है यहाँ पे लैक्टोज, जब इंड्यूसर नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज आया, किससे बाइंड हो गया प्रमोटर से, प्रमोटर से बाइंड होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया, आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन किया तो कौन सा एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए बन गया, रिप्रेसर एमआरएनए से कौन सी प्रोटीन बन गई, रिप्रेसर प्रोटीन बन गई, और रिप्रेसर प्रोटीन जाके किससे बाइंड हो गई ऑपरेटर से, ऑपरेटर से बाइंड होने के बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट गो फर्दर, आगे की तरफ नहीं जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ये क्या है स्विच ऑफ है, इसको क्या बुलाते हैं लैक ओपेरॉन, ठीक है, ये जो पार्ट है वो क्या है लैक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ है। लेकिन दूसरी कंडीशन में देखो, नीचे देखो, यहाँ पे देखो इंड्यूसर आ गया, इंड्यूसर कौन है लैक्टोज, इंड्यूसर जो है वो रिप्रेसर से देखो बाइंड हो गया, इंड्यूसर जो है वो किससे बाइंड हो गया रिप्रेसर से, और किसको इनएक्टिव कर दिया, रिप्रेसर को उसने इनएक्टिव कर दिया। जैसे ही इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड होगा रिप्रेसर को क्या कर देगा इनएक्टिव कर देगा। अब देखो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हुआ नहीं, क्योंकि वो खुद इनएक्टिव हो गया, और ऑपरेटर से बाइंड नहीं हुआ, अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गया, बोला कि चलो नहीं है अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है, जब आगे बढ़ गया तो देखो इनका ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, किसका ट्रांसक्रिप्शन कर दिया लैक ओपेरॉन का, लैक जीन का उसने क्या कर दिया ट्रांसक्रिप्शन कर दिया। जब ट्रांसक्रिप्शन किया तो कौन सा एमआरएनए बनेगा, लैक एमआरएनए बन जाएगा, समझ में आया, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो कौन सा एमआरएनए बन जाएगा लैक एमआरएनए। और देखो जो जेड है वो कौन सा एंजाइम बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो वाई है वो कौन सा बना रहा है परमीज, और जो ए है वो कौन सा बना रहा है ट्रांसेटिलेज। तो इस तरह से जो 3 जीन्स थे जेड वाई और ए, जब उनका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो लैक एमआरएनए बन गया, जब उनका ट्रांसलेशन हुआ तो 3 एंजाइम प्रोड्यूस हुए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसेटिलेज। ये तीनों एंजाइम मिलके किसको डाइजेस्ट करेंगे लैक्टोज को, समझ में, लैक्टोज का क्या करेंगे डाइजेशन करेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि अब लैक्टोज प्रेजेंट है,
अब लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है। अभी तक यहाँ पहली कंडीशन में लैक्टोज नहीं था, ग्लूकोज से ही काम चल जा रहा था, तो लैक्टोज को डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं उनकी नीड नहीं थी। लेकिन दूसरी कंडीशन में देख रहे हो कि यहाँ पे क्योंकि ग्लूकोज धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लैक्टोज जैसे ही थोड़े से अमाउंट में होगा वो तुरंत रिप्रेसर से जाके बाइंड होके उसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। जब इनएक्टिव कर देगा तो किसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, लैक ओपेरॉन का, लैक एमआरएनए बन जाएगा और तीन एंजाइम्स बन जाएंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसेटिलेज। और ये तीनों एंजाइम मिलके किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली वाली कंडीशन को स्विच ऑफ बोलते हैं और सेकंड वाली कंडीशन को स्विच ऑन बोलते हैं। पहले वाले में निगेटिव है और दूसरे वाले में क्या है, पॉजिटिव है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सारे टर्म आपको समझ में आ जाएंगे। थ्री स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। जेड कौन क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा मैं लिख नहीं पाया, बी लिखा है, इसको आप बीटा ही लिखना, ऊपर लिखा हुआ है बीटा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर स्प्लिटिंग, लैक्टोज को स्प्लिट करने के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जब लैक्टोज स्प्लिट होता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाता है। अब देखो ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर से लैक्टोज की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वाई जो जीन है दैट प्रोड्यूसेस परमीएज, उसका क्या, उसको कौन सा एंजाइम बना रहा है, परमीएज। उसका फंक्शन देखो, इंक्रीज परमेबिलिटी। देखो सेल के अंदर लैक्टोज थोड़े अमाउंट में तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर लैक्टोज एकदम मतलब पूरी तरह से नहीं होगा तो लैक्टोज बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड से इनसाइड इंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ अमाउंट में लैक्टोज तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन जब परमीएज रिलीज होता है तो परमेबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, लैक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन इनफ्लक्स ज़्यादा होने लगता है, मतलब अंदर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो परमेबिलिटी ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसेटिलेज, जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज ट्रांसेटिलेज। ए जो जीन है वो क्या बना रहा है, ट्रांसेटिलेज बना रहा है और ये ट्रांसफ़र करता है एसिटिल ग्रुप को, ठीक है, ये एसिटिल ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, क्लियर है। तो इस तरह से तीनों एंजाइम मिलके, मतलब तीनों जीन्स मिलके किसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं, लैक्टोज को। तो इस तरह से लैक्टोज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो स्विच ऑफ मैकेनिज्म, व्हेन द इंड्यूसर इज अब्सेंट, अगर इंड्यूसर नहीं है और इट्स लेवल फॉल, या तो उसका लेवल कम हो जाए या तो अब्सेंट हो जाए। इंड्यूसर कौन है यहाँ पे, लैक मतलब लैक्टोज, ठीक है। तब क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस बाय रेगुलेटर जीन, जो रिप्रेसर प्रोटीन है रेगुलेटर मतलब आई जीन से जो प्रोड्यूस हो रही है वो जाके ऑपरेटर जीन को उससे अटैच हो जाएगी और ब्लॉक कर देगी। नो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एंजाइम का सिंथेसिस भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्विच ऑफ। स्विच ऑन में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा मतलब लैक्टोज, द रिप्रेसर हैज अ हायर एफिनिटी फॉर द इंड्यूसर, और रिप्रेसर किससे बाइंड होने चाह रहा था, इंड्यूसर से, लेकिन इंड्यूसर बेचारा तो था ही नहीं, जैसे इंड्यूसर आया ऐसे रिप्रेसर से वो क्या हो गया, बाइंड हो गया। हैज अ हायर एफिनिटी फॉर द इंड्यूसर देन द ऑपरेटर जीन, उसने बोला छोड़ो ऑपरेटर को, हम इंड्यूसर से बाइंड होते हैं। व्हेन लैक्टोज इज एडेड टू द ई कोलाई कल्चर, अ फ्यू लैक्टोज मॉलिक्यूल आर कैरीड इन टू द सेल, और जब लैक्टोज उसमें आएगा तो लैक्टोज और कैरी हो जाएगा अंदर की तरफ, क्योंकि अब जो है परमीएज रिलीज हो रहा है और परमीएज परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, जिससे लैक्टोज और आने लगेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सेल, दीज फ्यू लैक्टोज मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू एलो लैक्टोज, ये किस में चेंज हो जाएंगे, एलो लैक्टोज में चेंज हो जाएंगे, विच एक्ट एज इंड्यूसर, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंड्यूसर की तरह बिहेव करेंगे, एंड बाइंड टू द रिप्रेसर, और बार बार जाके बाइंड किससे करने लगेंगे, रिप्रेसर से। द रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स फेल्स टू ज्वाइन द ऑपरेटर, और वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा और प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। ये कब तक स्विच ऑन रहेगा, जब तक लैक्टोज का लेवल रहेगा, जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ फिर से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से जीन्स का रेगुलेशन हो रहा है। तो बाई टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ लैक ओपेरॉन आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल कि हाउ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरियम का एग्जांपल था जिसमें लैक्टोज लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर का वर्क कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लगा दिए हैं, दो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ, एक हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्रेशन की हमेशा जरूरत होती है, मतलब उनकी नीड हमेशा होती है, उनको बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन्स,
ठीक है। दूसरा होता है जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन जो होता है इज द जनरल टर्म फॉर सेलुलर कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने बताया ना जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन। ओपेरॉन, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई फ्रांसिस जैकब, ये उनका पूरा नाम है, और जैकस मोनद इन ई कोलाई, फॉर विच दे वर अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1965। ठीक है, उसके बाद अब जल्दी में बताओगे, अभी जल्दी में कौन से वायरस के लिए तीन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, इंड्यूसर विच इंड्यूसेस एंजाइम सिंथेसिस विदाउट गेटिंग मेटाबोलाइज्ड। कुछ इंड्यूसर ऐसे होते हैं जिनका मेटाबोलाइजेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एज ए इंड्यूसर बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर, जैसे IPTG। उसके बाद रिप्रेसर हैज़ टू एलोस्ट्रिक साइट, जो रिप्रेसर होता है उसके पास दो एलोस्ट्रिक साइट्स होती है, वन फॉर अटैचिंग टू द ऑपरेटर और वन फॉर बाइंडिंग टू द इंड्यूसर। एक तरफ ऑपरेटर से बाइंड होता है और दूसरी तरफ इंड्यूसर से बाइंड होता है, तो दो उसके पास साइट होती हैं। ठीक है, एपो रिप्रेसर मतलब क्या होता है, इज़ अ प्रोटीनिशियस सब्सटेंस फॉर्म्ड बाई रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन जो प्रोटीन सब्सटेंस बनाता है उसी को बोलते हैं एपो रिप्रेसर। और को रिप्रेसर मतलब होता है नॉन प्रोटीनिशियस। एपो रिप्रेसर मतलब प्रोटीनेशियस और को रिप्रेसर मतलब नॉन प्रोटीनेशियस रिप्रेसर। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आउट ऑफ NCERT हैं, जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, काफ़ी लंबा सेशन था लेकिन ये कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। जिस तरह से अब केवल दो ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो आई विल ट्राई, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को दो दिन दो सेशन और DNA फिंगरप्रिंटिंग को एक सेशन, मतलब आपके तीन सेशन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है आज मैंने, उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, जिससे मुझे भी पता लगेगा माय स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग फुल सेशन एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई थिंक सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू।